Bug. भोर के इस वेला में 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें। मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। एक राम की सारी राया, एक हवा और पानी, एक हवा और पानी, एक ही जोत जले सब ही में, क्यों नहीं सोचे प्राणी, क्यों नहीं सोचे प्राणी। मन की आँख से देख रे भैया, कोई नहीं है गैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। चार दिनों के जीवन को तू रंग ले प्यार के रंग में, रंग ले प्यार के रंग में। मोह माया में बंधना नहीं, चाल ना कोई संग में, चाल
डाले ना कोई संग में, शुभ कर्मों से भर ले झोली, कर ले जग की सैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें। राम है दाता सारे जग का, उसकी देन है भारी, उसकी देन है भारी, बिन मांगे वो झोली भरता, ऐसा पर उपकारी, ऐसा पर उपकारी, उसके नाम का सिमरन करके भाव सागर से तैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, मांगे सबकी खैर, मांगे सबकी खैर बाबा, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला मेरे राम जी करें, सबका भला। साथियों आज शुक्रवार है, शक संवत 1946 के वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया, तदनुसार दिनांक 10 मई सन 2024। समय मिलाइए 6:17 और 20 सेकंड 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। अपनापन रखना मेरे घनश्याम, अपनापन रखना मेरे घनश्याम, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, घड़ी घड़ी पल पल नाम तिहारो, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, रटे मेरी रसना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, लली लाल दो दैगर बाही, हमारे ही ये बसना मेरे घनश्याम, हमारे ही ये बसना मेरे घनश्याम, भाव हिंडोरे दारी ही ये मैं, भाव हिंडोरे दारी ही ये मैं, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम, झुलाऊं नित झुलना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, अपना पन रखना मेरे घनश्याम, घनश्याम उपहार हार आसुवन को बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, बना लूं तुझे अपना मेरे घनश्याम, कैसे हूँ करी कृपालु प्रभु अपनो, कैसे हूँ करी
कृपालु प्रभु अपनो पुरवो मम सपना मेरे घनश्याम पुरवो मम सपना मेरे घनश्याम अपना पन रखना मेरे घनश्याम अपना पन रखना। साथियों, जीवन के इस आपाधापी के बीच हर रोज हमें नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। रास्ता न दिखाई देने पर भी रास्ता खोजना पड़ता है और कभी कभी तो रास्ता बनाना भी पड़ता है। वैसे यह है तो जीवट का काम, और जानते हैं साधारण से दिखने वाले व्यक्ति में ये जीवट आता कहाँ से है? शायद उसी शक्ति की भक्ति और आह्वान से जो हमारे अंतस में विराजमान है और जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु या फिर किन्हीं और नामों से पुकारते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, कहा तो यही गया है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक।
साथियों, कहा गया है कि शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और यदि परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। 6:25 100.1 आकाशवाणी गोल्ड, आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। राम श्याम जी के हीरे मोती हो, राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले, राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले, राम भजन कर ले रे मनुआ, श्याम भजन कर ले, जीवन मिला भाग से क्यों तू समझ नहीं पाता है, क्यों तू समझ नहीं पाता है, ओ काम क्रोध मद लोभ मोह वश दुष्कर्मों में फंस जाता है, सदाचार में ढलकर प्यारे हो, सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले, सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले, राम भजन कर ले रे मनुआ, श्याम भजन कर ले कर ले, साथियों परम शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा का नमन हम जारी रखेंगे इसी प्रकार अर्पण में, लेकिन फिलहाल समय हो रहा है स्पॉन्सर प्रोग्राम जगत गुरु आदि शंकराचार्य का, तो आइए पहले सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य। भज गोविंदम् भज गोविंदम् गोविंदम् भज मूलवते ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पिछले एपिसोड में आप सुन चुके हैं कि मंडन मिश्र की धर्मपत्नी शारदा की मध्यस्थता में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें मंडन मिश्र को पराजय मिली। मैं माहिष्मती अपने समय के महान विद्वान मंडन मिश्र की इस पराजय की साक्षी रही हूँ, लेकिन शारदा ने इस पराजय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हे आचार्य, अभी आपने केवल मेरे पति के ऊपर विजय प्राप्त की है, ये अधूरी विजय है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। शास्त्रार्थ में मेरे पति को पराजित मानने से पहले आपको मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। शारदा के भीतर अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं उभर कर दहाड़े मार रही थी, लेकिन मध्यस्थ का दायित्व बाधित ना हो जाए इसीलिए भीतर के आलोढ़न विलोढ़न को छिपाकर रखना भी आवश्यक था। शायद इसी कारण से शारदा ने अर्धांगिनी भाव धारण किया हुआ था। तब शंकराचार्य की क्या प्रतिक्रिया थी माहिष्मती? पहले तो शंकराचार्य ने स्त्रियों से वाद विवाद ना करने की बात की, लेकिन शारदा ने गार्गी और याज्ञवल्क्य तथा जनक और सुलभा के मध्य हुए शास्त्रार्थ का उदाहरण देकर आचार्य को निरुत्तर कर दिया। शारदा का तर्क था कि ज्ञान शुद्ध होता है आचार्य, उसमें लिंग भेद का प्रश्न ही कहाँ उठता है। आपकी दृष्टि ज्ञान में है, तब ज्ञान की सभा में ज्ञान की और शास्त्र की सभा में शास्त्र की बात करें आचार्य। शारदा के तर्क से शंकराचार्य मौन हो गए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शारदा प्रश्न पर प्रश्न करती रही और शंकराचार्य प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देते रहे। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र पर शास्त्रार्थ होता रहा। शंकराचार्य हिमालय की तरह डटे रहे। शंकराचार्य को अजय समझ शारदा को एक नया विचार सूझा। आचार्य बाल सन्यासी हैं। इन्होंने सन्यास के सारे नियमों का पालन किया है, काम शास्त्र से भला इनका क्या काम? क्यों ना मैं इसी शास्त्र के द्वारा इन्हें परास्त करूं? शारदा ने काम शास्त्र संबंधी प्रश्नों की झड़ी लगा दी। प्रश्न सुनते ही शंकराचार्य धर्म संकट में पड़ गए। मैं यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ तो अल्पज्ञता का दोष लगेगा, और अगर देता हूँ तो सन्यास धर्म भ्रष्ट होगा। शारदा द्वारा काम शास्त्र संबंधी प्रश्नों को सुनकर सभा में उपस्थित विभिन्न पंथों और ज्ञान उपासना के विद्वानों के साथ साथ सामान्य श्रोताओं में भी हलचल मच गई। उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने एक माह का समय मांगा। शारदा मन ही मन मुस्कुराई। देखते हैं एक माह के भीतर आचार्य में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ जाएगा जो मेरे प्रश्नों का जवाब इन्हें मिल जाएगा। शारदा अपने मन में एकदम निश्चिंत थी। उन्होंने उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को एक माह का समय दे दिया। लेकिन काम शास्त्र का परिचय पाना शंकराचार्य के लिए एक समस्या थी, पर उत्तर तो देना ही था। उपाय खोजने के लिए वे योग बल से आकाश में भ्रमण करने लगे। उन्होंने आकाश से धरती की ओर देखा। जंगल में शिकार के लिए आए युवा राजा का मृत शरीर भूमि पर पड़ा था। शंकराचार्य ने मन ही मन सोचा, क्यों ना इस राजा के शरीर में परकाया प्रवेश के द्वारा काम शास्त्र के प्रश्नों का व्यवहारिक उत्तर प्राप्त करूं। जब इस बारे में शंकराचार्य ने सनंदन और पद्मपाद से चर्चा की तो दोनों ने विनम्रता पूर्वक विरोध जताया। शंकराचार्य ने दोनों की बात को धैर्य से सुना, फिर बोले, वत्स, तुम्हारा ध्यान इसके मर्म पर नहीं केवल बाहरी अंग पर है। तुम जानते हो कि हमारी सारी इच्छाओं का मूल संकल्प है। संसार को असत्य जानने वाले पुरुष को उसके कर्म का फल लिप्त नहीं करता। ब्रह्मवेत्ता की यही तो महिमा है। मैं वासनाहीन हूँ, जाओ सहायता देकर इस अनुष्ठान को सुगम बनाओ। मेरा ये परिश्रम आने वाले समय में जनमानस को धर्म का मार्ग दिखाता रहेगा। और शंकराचार्य ने मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश किया। राजा के शरीर में चेतना आई। ये देख रानियां हर्षित, मंत्री प्रसन्न और प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। सेनानायक ने शंख बजाया
राजा ने मांगलिक कर्म किए। राजा में अपूर्व बुद्धि वैभव और दिव्य गुण का प्रकाश देख मंत्रियों को शंका होने लगी। एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, ये अवश्य कोई योगीश्वर है जिन्होंने महाराज के शरीर में प्रवेश किया है। सेना नायक ने आशंका जताई, कहीं ये अपने पूर्व शरीर में वापस न चले जाए। मंत्री ने सेवकों को आदेश दिया, जहाँ भी कोई मृत शरीर पाया जाए उसे तुरंत जला दिया जाए। राज्य की व्यवस्था बदल रही थी, प्रकृति का मिजाज बदल रहा था। प्रजा धर्म तत्पर तो धरती अन्न संपन्न और गौधन की दुग्ध क्षमता भी बढ़ रही थी। एक तरफ इतना बदलाव आ रहा था तो दूसरी तरफ शिष्यों को एक गुफा में शंकराचार्य के शरीर की रक्षा करते हुए एक मास बीत रहा था। शिष्य अपने आचार्य के न आने से चिंतित थे, कहां जाएं, कहां ढूंढें। पद्मनाभ ने कहा, हमारे गुरु सूर्य की तरह हैं, कहीं छिप नहीं सकते। जिस किसी भी देश में सुख समृद्धि और धर्म निष्ठा दिखाई दे वही हमारे गुरु होंगे। और अपने गुरु को खोजते हुए सनंदन और पद्मनाभ राजा अमरुक के राज्य में पहुंच गए। वहां सब जगह राजा के मरकर जीवित होने और फिर राज्य व्यवस्था में बदलाव आदि की बातें चारों ओर सुनाई दे रही थीं। दोनों शिष्य आश्वस्त हो गए, हो न हो हमारे गुरुदेव इसी राज्य के राजा हैं। दोनों ने गायक के वेश में राजभवन में प्रवेश किया। आज्ञा मिली तो सुंदर गीत भी गाया, जिसमें कहा गया था कि हे भ्रमर, फूलों के तुम आभूषण हो, कमक वन में उत्पन्न सरस मधु को पीने वाले हो, फिर कैसे इस कड़वे रस में तुम्हारा मन रम गया। तुम गगन में विचरण करने वाले हो, सुंदर सोने के पिंजरे में ना फंस जाना। गाना सुनकर राजा को अपनी आत्मा का भान हुआ। राजा रूपी शंकराचार्य तुरंत मूर्छित हो गए, राजा का शरीर छोड़ दिया और फिर से जाकर अपने पूर्व शरीर में प्रवेश कर गए। शंकराचार्य वचन के अनुरूप शारदा के भवन में पहुंचे और शास्त्रार्थ के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। शारदा स्वयं अलौकिक शक्ति से संपन्न विदुषी थी। शंकराचार्य के परकाया प्रवेश की घटना की जानकारी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। वे ये भी समझ चुकी थी कि अब शंकराचार्य के पास उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। अब विषय विशेष संबंधी शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। शंकराचार्य ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। आचार्य की अपूर्व प्रतिभा और विद्वता के सामने शारदा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मंडन मिश्र ने संन्यास ग्रहण किया। शंकराचार्य के उपदेश के बाद मंडन मिश्र ने अपना द्वैत भाव त्याग दिया और अद्वैत सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने जाना कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच उस एक ही ब्रह्म शक्ति का विस्तार है। उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा, हे भगवान, मैं धन्य हो गया। आज मैं अंधकार से प्रकाश में आया हूं, द्वैत से अद्वैत, भय से अभय और मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त हुआ हूं। आज उस माया का पर्दा हट गया है जिसने हमारे वास्तविक आत्म स्वरूप को डस लिया था। सत्य तो यही है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शुद्ध बुद्ध नित्य और मुक्त स्वभाव वाला हूं। हे गुरुदेव, जो सुख मुझे क्षणिक विषयों में खोजने पर भी प्राप्त नहीं हुआ, आज वो निर्तिशय आनंद आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। शिव रुष्ट हो तो गुरु मार्ग दिखा देते हैं, परंतु गुरु रुष्ट हो तो कौन रास्ता बताएगा। मंडन मिश्र गुरु के सामने नतमस्तक खड़े थे और बार बार कह रहे थे, हरि ने संसार दिया और गुरु ने ज्ञान। हरि अपने स्वरूप को ढांकते हैं, लेकिन गुरु की कृपा ही है जो उसको प्रकाशित करती है। इसके बाद मंडन मिश्र ने गुरु भगवान शंकराचार्य का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं।
मंडन मिश्र को शंकराचार्य ने एक नया नाम दिया, सुरेश्वर। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरिजी महाराज। मंडन मिश्र और श्री शंकराचार्य का शास्त्रार्थ यह एक इतिहास में वैचारिक ईमानदारी का उत्कृष्ट नमूना है। शास्त्रार्थ में उतरे दोनों वादियों में से किसी एक विचारक का यह भाव पक्ष नहीं था कि अपने आप को महान साबित कर दे, था तो केवल इतना ही कि विचार की और प्रमाण के बल पर किसकी धारणा सत्य है और किसकी धारणा कसौटी पर साबित नहीं उतर सकती, इसका निर्णय सारा प्रयास सत्यार्थ की गवेषणा का है। अपने जीवन और उपलब्धियों को भी दांव पर लगाकर शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों ही वेद के वास्तविक अर्थ का ग्रहण करने के लिए तैयार थे। वेद और वेदार्थ की रक्षा के लिए तो कुमारिल्ल भट्ट ने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया था। इस शास्त्रार्थ की गंभीर अर्थों की कदाचित कोमल बुद्धि वाले हम समझ न पाए तो भी वेद के सही अर्थ के खोज में जीवन सर्वस्व को भी उड़ेल देने वाले इन महारथियों के बौद्धिक ईमानदारी न्यायप्रियता की झांकी जरूर समझ पाएंगे। इसके बाद क्या हुआ सुनिए जगतगुरु शंकराचार्य की अगली कड़ी में अगले सप्ताह आज के ही दिन और आज के ही समय। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। जगत गुरु शंकराचार्य, अभी आप इस कार्यक्रम की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार हैं शैलेंद्र पांडे, श्यामटन भट्टाचार्य, कहकशां, श्रीपर्णा चैटर्जी, सचिन गोले, भाग्यश्री राव और फिरोज खान। प्रेरणा महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरिजी महाराज। सहयोग कॉल ऑफ धर्म फाउंडेशन। संयोजन रोहन चावला, शोध इंदिरा मोहन, रेडियो आलेख सोमदत्त शर्मा और इसका निर्देशन कर रहे थे हेमंत वर्मा। ये कार्यक्रम सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश के लिए बाबा ऑडियो विजुअल्स मुंबई द्वारा तैयार किया गया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। छह बजकर 44 मिनट और 27 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी गोल्ड और आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, श्री राम का पूरा जीवन ही हमें कहीं ना कहीं सीख देता है, लेकिन उनकी मर्यादा हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम ये नहीं जानते कि उन परिस्थितियों से निपटा कैसे जाए। आइए उन्हें श्री राम के जीवन का गुणगान हम सुनते हैं रामचरितमानस के इस सुंदर संगीतमय वर्णन के जरिए। रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है।
सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था। इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है। नव गयन दुरघुबीर मनु राजुअलान समान छूट जानी बन गवनु सुनि उर आनंदु अधिकान रघुकुल तिलक जोड़ी दोहा था मुदित मातु पद नायउ माथा दीही असीस लाई उर्लीने भूषण बसन निछावरी कीने कछु कही जाए रंक धनद पद भी जनु पाए सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महातारी
धर्म धुरी धर्म गति जानी कहु मा तू सन अति मृदु बानी पिता दीही मोहे कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू आयसु देहि मुदित मन माता जही मुद मंगल कानन जाता जनि सने है बस डर पसि भोरे आनंद अंब अनुग्रह तोरे वर्ष चारि दस विपिन बस करि पितु वचन प्रमाण आय पाय पुनि देखि हूँ मनुजनि करसि मनान वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातुर कर के सहमी सुखी सुनी सीतली बानी जिमी जवास परे पावस पानी साधु मन हूँ मृगी सुनी के हरिनादु नयन सजल तन थर थर कांपी माजही खाई मीन जनु मापी धरि धीरजु सुत बदनु निहारी गद गद बचन कहती महातारी तात पितहि तुम्हें प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे साधा कहियो जान बन के